और अब आपको अटारी बॉर्डर लिए चलते हैं, खूबसूरत तस्वीरें वहां से भी हम आपको दिखाते हैं। मुस्कुराहट भी आप देखिए कि वो करते हैं, लेकिन आज का दिन है, आजादी का जश्न हम लोग मना रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये तस्वीरें तो हम आपको अटारी बॉर्डर से दिखा रहे हैं, भारत की तरफ की, भारत की साइड की, लेकिन अब हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे दूसरी ओर की यानी कि हमसाए मुल्क की, पाकिस्तान की तरफ क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। यहाँ आपने देखा जोश कितना ज़्यादा है, लेकिन ज़रा कैमरा पैन करेंगे और वहाँ का जोश दिखाएंगे कि क्या वाकई वहाँ जोश है, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। वहाँ के जो लोग हैं अभी इंतज़ार कर रहे हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने का, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने तो जश्न मनाना शुरू कर दिया है। आज आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और अब से थोड़ी ही देर में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी, जब दोनों ही मुल्कों के जवान यहाँ पर अटारी वाघा बॉर्डर पर अपना जोश दिखाएंगे। वो जोश, वो तस्वीरें देखते ही बनती है जब दोनों ही ओर के जो जवान हैं वो कदम ताल करते हैं, और जो कार्यक्रम यहाँ पर होता है वो एक सा होता है, यानी कि अगर यहाँ से जो BSF के जवान हैं वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से भी जवान उसी तरह से उसी जोश में आते हैं, लेकिन भारत का जोश, भारत का जलवा और भारत का जज्बा ये हम सब ने देखा है। अब देखिए यहाँ अब देशभक्ति गीत बजाए जा रहे हैं, और लगातार जो हम आपको बता रहे हैं कि बरसात हो रही है, लेकिन ज़रा आप देखिए जोश में कोई कमी आपको यहाँ नज़र आ रही है। लोगों ने थोड़ी देर छाते ताने, लेकिन उसके बाद वो छाते भी अब धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। खचा खच भरा हुआ है ये पूरा इलाका, इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमारे देश के जवानों के नाम आज जो सरहद पर हमारी आपकी सुरक्षा करते हैं उनके नाम, और आज़ादी का जश्न मनाने का ये एक अनोखा तरीका है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के जरिए, जो आम जनता है कहीं ना कहीं शुक्रिया करने का भी तरीका है, इन जवानों का जोश और यहाँ पर जो जज्बा है वो बढ़ाने का तरीका है। और जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि एंट्री दी गई, तब से ही जो ऑडियंस यहाँ पर है उनके जोश में कोई कमी नहीं, और जब तक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी यहाँ पर होती है तब तक ये जोश लगभग ऐसा ही होता है। ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिलती है, एक अनोखी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए BSF के जवान हैं और वो भी सेल्फी ले रहे हैं, वो भी वीडियो बना रहे हैं, वो भी इस पूरे मोमेंट को यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आमतौर पर ये तस्वीरें कम ही देखने को मिलती है कि खुद BSF के जवान जो है वो इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, और दोनों ही ओर से देखिए पहले सेल्फी ले रहे थे और अब वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक अलग यहाँ पर ये पूरा मोमेंट है, अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर, सरहद पर, सीमा पर ये लोग हमारी सुरक्षा करते हैं, और आज इनका दिन है क्योंकि आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है और यहाँ पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हो रही है, तो ये मौका बनता है वीडियो बनाने का, सेल्फी बनाने का। अभी ये सबके तमाम जवान यहाँ पर है और इन सबको हमारा भी सलाम है, क्योंकि ये है तभी तो हम हैं, ये अगर हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं तभी तो हम और आप अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। तो लगातार जी मीडिया भी हमारे इन जवानों को सलाम करता है, उन्हें सल्यूट करता है जो वो हमारे लिए दिन रात करते हैं। और आप देखिए कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, ये तस्वीर हर घर तिरंगा जिस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था, आज हर हाथ तिरंगा यहाँ नज़र आ रहा है, जितने लोग आए हैं उनके हाथ में तिरंगा यहाँ नज़र आ रहा है। तिरंगा झंडा के अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी ने तिरंगे की कलर की टोपी पहनी है, किसी ने बैच लगाया है, हर कोई अपने हिसाब से इस पूरे जो कैंपेन शुरू किया गया है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। और अब से कुछ ही देर में 6:30 बजे के बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू हो जाएगी, और देखिए अब ये जो गाना बजा है उसके बाद से जोश बढ़ गया है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, भारत ललकार रहा है, अपने दुश्मनों को कह रहा है कि बुरी नज़र आप हम पे मत रखिए। और ये देखिए जोश देखिए, ये जलवा देखिए, ये जज्बा देखिए, जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का, वैसे वैसे यहाँ जोश दोगुना होते जा रहा है। और ये तस्वीरें बेहद ख़ास है क्योंकि ये तस्वीरें रोज़ाना यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन ये तस्वीर आज बहुत ज़्यादा ख़ास है जवानों के साथ,
ये तस्वीर यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जी मीडिया आपको हर एक कोने की एक एक तस्वीर दिखा रहा है। यहाँ आप देखिए छोटे बच्चे जिनका परफॉर्मेंस है, वो अपने परफॉर्मेंस से पहले कैसे ऑडियंस के रो में बैठे हैं और यहीं से जो हमारे जवान हैं, तो ये तस्वीर बहुत खास है। BSF के जो जवान हैं उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। जो गेस्ट आए, देखिए कुछ फॉरेनर गेस्ट भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और वो भी इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को देखेंगे और कहीं ना कहीं इस पूरे मोमेंट को इंजॉय किया जा रहा है। बच्चे इतने खुश हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ पर उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। इसी के साथ साथ लंबा इंतज़ार करना पड़ा था कोरोना का वो बुरा दौर जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। उस समय इस पूरे इलाके को बंद किया गया था, आम जनता की यहाँ पर एंट्री नहीं थी, लेकिन जब एंट्री हुई तो आप देखिए क्या शानदार एंट्री हुई है और लगातार वही जोश, वही जज्बा, वही जुनून सरहद के हमारे इन जवानों को सल्यूट करने का एक अलग तरीका, एक अलग मौका। तस्वीरें लगातार जी मीडिया आपको दिखा रहा है और ये हमारा साइड है, ये हमारा देश है, ये हिंदुस्तान है। और दूसरी ओर आप देखिए कि अभी थोड़ा सा नाटक ज़रूर पसरा है, हम सारे मुल्क की बात करें तो अभी वहाँ आगाज़ नहीं हुआ है, थोड़ा सन्नाटा है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे ही